गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कक्षा 10 में जो विद्युत का लेशन पढ़ रहे हैं उसमें विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि जब किसी हम चालक में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो हमें ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है, कैसे प्राप्त होती है। तो इसके लिए हम लोगों को प्रतिरोध के बारे में पढ़ाया गया, किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है ये भी आप लोगों को बताया गया। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, चालक की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, या चालक के पदार्थ पर प्रतिरोध का मान जो है निर्भर करता है। अब हम ऐसे चालक जिनमें हम ऊष्मा उत्पन्न कराना चाहते हैं तो उन्हें हम उच्च प्रतिरोध वाला चालक लेते हैं। लेकिन आम भाषा में भी हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक में जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। लेकिन कैसे उत्पन्न होती है, क्यों उत्पन्न होती है, इसके लिए हमने एक चित्र बनाया है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि देख रहे हैं, ये हमने एक चालक लिया। इस चालक के अंदर बहुत सारे परमाणु होंगे जिन परमाणुओं से मिलकर ये बंधा होता है, और प्रत्येक परमाणु में कुछ न कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं जिससे धारा का प्रवाह होता है। तो हम मानते हैं इलेक्ट्रॉनों की गति, और धारा इसमें हमको ये भी समझना होगा कि ये एक बैटरी लगाया हमने सेल, इस सेल के द्वारा इस चालक को जोड़ दिया गया, प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, हमें इसको हमेशा याद रखना है। ये प्लस टर्मिनल है, यहाँ से विद्युत धारा इस तरह से होकर के प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा की दिशा हमने ये दर्शाया, लेकिन ये हमें हमेशा याद रखना है कि विद्युत धारा जिस दिशा में प्रवाहित होगी इस चालक के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इसके विपरीत दिशा में होगा। तो हमने ये बताया इलेक्ट्रॉनों की गति इस दिशा में। अब हमने देखा यहाँ पर ये सब चिन्ह जो बनाए गए हैं इसमें कुछ परमाणु हैं और कुछ जो है हमने इलेक्ट्रॉनों का निशान बनाया है जो इन परमाणुओं से मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग होकर के और इस चालक के अंतर्गत दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात गति कर रहे हैं। तो हम एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमने इसको सेल से जोड़ा जैसे ही, तो इसमें ये चालक है तो एक वैद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो गया। तो वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे प्रारंभ हो गया, वैद्युत धारा तभी प्रवाहित होगी जब इस चालक के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों की गति इस दिशा में होगी। तो जब इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जब इसमें चलना प्रारंभ करेंगे तो वो इसमें उपस्थित तमाम परमाणुओं से टकराएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन उन परमाणुओं से टकराएंगे तो आप समझ सकते हैं कि जब दो वस्तुओं का आपस में टक्कर होता है तो जो इलेक्ट्रॉनों के पास गतिज ऊर्जा होगी उस समय, उस गतिज ऊर्जा टक्कर के बाद वो परमाणु को दे देंगे। यानी कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि पहले तो हम ये देखते हैं कि जैसे धारा का प्रवाह करते हैं तो इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए रास्ता पूरा खाली तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन सीधे जो है भागता है। इलेक्ट्रॉन के सामने बहुत सारे परमाणु हैं और वो परमाणु इलेक्ट्रॉनों से टक्कर होता है, तो जो इलेक्ट्रॉनों के पास वेग होता है वो वेग उन परमाणुओं को मिल जाता है, और जब परमाणु को मिलेगा तो परमाणु परमाणु से टकराने लगेगा, इलेक्ट्रॉन परमाणु से टकराएगा, इस तरह से टक्करों की संख्या उसमें बढ़ जाती है। और जब टक्करों की संख्या बढ़ जाती है तो जितना अधिक टक्कर होगा एक दूसरे का, ये पदार्थ उतना ही अधिक गर्म होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से जब हम विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित करते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है।
विद्युत धारा के प्रवाह से इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो ऊष्मा किन कारण से उत्पन्न होती है ये स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें गति करता है तो इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में आने वाले परमाणुओं से टकराता है और उसके पास जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा परमाणु को देता है, परमाणु भी ऊर्जा पा करके दूसरे परमाणु से टकराता है, फिर इलेक्ट्रॉन से टकराता है। इस तरह का टक्कर इसमें बार बार होते रहता है और उस टक्कर के कारण इस चालक का की ऊष्मा जो है बढ़ जाती है अर्थात ये गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि विद्युत धारा उष्मी ऊर्जा में यानी विद्युत ऊर्जा उष्मी ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। अब अगर हम कुछ चीज़ें जैसे बल्ब बनाते हैं, हीटर बनाते हैं, कपड़ा प्रेस करने के लिए जो प्रेस बनाते हैं उसमें हम विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मी ऊर्जा में करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनके अंदर जो तार लगाए जाते हैं, जो चालक लगाए जाते हैं, उच्च प्रतिरोध वाले लगाए जाते हैं। जिस चालक का प्रतिरोध जितना ही अधिक होगा उसमें ऊष्मा उतनी ही अधिक उत्पन्न होगी। जैसे हीटर देखते हैं आप, तो हीटर में तार मोटा कर दिया जाता है उसके प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए और उसके तार को स्प्रिंग के आकार का बनाया जाता है। इस तरह से कर देने से इसका प्रतिरोध और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इसकी लंबाई और अधिक बढ़ जाएगी। अगर इसको खींच दें तो लंबाई इस तरह से प्लेन हो जाती है और उसी लंबाई को हम कम जगह में व्यवस्थित करने के लिए इसको स्प्रिंग के तरह मोड़ देते हैं तो इससे इसका प्रतिरोध और अधिक बढ़ जाता है और ये विद्युत धारा का प्रवाह करने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इस तरह से हमको एक चीज़ समझना है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यानी विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित करने से उसमें ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है, ये बात समझाने के लिए हमें इस कारण को समझना होगा कि किसी भी चालक में जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है यानी जैसे ही उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलने लगते हैं और जब इलेक्ट्रॉन इसमें गति करना शुरू करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इन परमाणुओं से टकराते हैं, फिर परमाणुओं को ऊर्जा मिलती है, परमाणु परमाणु से टकराते हैं। अर्थात इस चालक के अंतर्गत ये जितने परमाणु और इलेक्ट्रॉन सब उपस्थित हैं इनके बीच टक्कर होने लगता है और उस टक्कर के बढ़ने के कारण इसकी ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है यानी उस टक्कर के बीच जो इनकी ऊर्जा नष्ट होती है वो ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदलती चली जाती है और इस प्रकार से चालक गर्म होता है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मा में किस तरह से यानी क्या उसमें प्रभाव होता है यानी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसमें ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है, क्यों होती है, ये आप यहाँ से स्पष्ट बता सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे जूल का ऊष्मीय प्रभाव का नियम। वैज्ञानिक जूल ने यानी कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित करना, तो कार्य हम जूल में लिखते हैं, कार्य का मात्रक जूल होता है और जूल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका मात्रक दिया था जूल। तो जूल को हम ऊष्मा में कैसे बदलते हैं, किस प्रकार से बदलता है, तो जूल ने ऊष्मीय प्रभाव के लिए निम्न नियम दिए या बताए, क्या है? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह होता है
तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि चालक का प्रतिरोध होता है, धारा कुछ समय के लिए प्रवाहित की जाती है तो टाइम भी उसमें होता है, धारा I का मान होता है, और जब चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वो ऊष्मा किसके किसके अनुक्रमानुपाती होती है, किस तरह से, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो जब हम किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, यानी ऊष्मा H, उसमें चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध कैपिटल R लिख लीजिए, तो H, H को हम हीट या उष्मा समझें, R के, और जब H अनुक्रमानुपाती होगा R, तो यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट होगा, I तथा टी नियत होंगे। दूसरा, यही एच चालक में प्रवाहित धारा आई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी एच आई स्क्वायर यहां पर आर तथा टी नियत होंगे। और तीसरा, ये एच चालक में प्रवाहित धारा चालक में प्रवाहित धारा के समय के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी यह अनुक्रमानुपाती टी यहां पर आर तथा आई नियत होंगे। इस तरह से ये तीन नियम जूल ने ऊष्मा के प्रभाव के लिए दिया, तो इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं, इसको 3 मान सकते हैं। इन तीनों समीकरणों को अगर संयुक्त किया जाए तो H अनुक्रमानुपाती होगा आई स्क्वायर आर और टी। हम जानते हैं कि जब समानुपाती चिन्ह को हटाया जाता है तो हम एक कांस्टेंट लेते हैं, और यहाँ पर आई स्क्वायर आर टी एक कांस्टेंट लिया गया, जे यानी 1/j। 1/j, जे क्या है यहां पर, जे ऊष्मा यांत्रिक तुल्यांक है, जहां पर जे की वैल्यू
4.18 या 4.2 होती है। इसी को चेंज कर दिया जाए और h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई 4.2। इस तरह से हमें ये फार्मूला मिल जाएगा। अब किसी भी चालक में धारा I जिसका प्रतिरोध R हो T टाइम तक कुछ समय तक प्रवाहित की जाए तो उसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह जूल के द्वारा दिया गया ऊष्मीय प्रभाव के लिए जो नियम है इस नियम को जो है आप लोग अच्छी तरह से नोट करें और पढ़ें। आगे हम लोग इसी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए विद्युत बल्ब के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और आप जो कपड़ा प्रेस करने के लिए प्रेस का प्रयोग करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन तीनों की हमें रचना क्रियाविधि और सिद्धांत के बारे में पढ़ना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना आप लोग जो है पूरा करें। आगे अब अगले वीडियो में कल मिलेगा आपको।